मनुष्य के दुख का साथी कौन। एक बार एक व्यक्ति ने बड़ी घोर तपस्या की। भगवान इस कदर प्रसन्न हो गए कि उसे वरदान देने के लिए सामने प्रकट हो गए। लेकिन वह व्यक्ति प्रभु के दर्शन से ही इतना अभिभूत हो गया कि उसे वरदान मांगने की इच्छा ही नहीं। फिर भी जब भगवान ने उसे फोर्स किया तो उसने एक ही वरदान मांगा कि आप हमेशा हर हाल में मेरे साथ रहें। प्रभु ने वरदान दे दिया और यह तो वाकई चमत्कार हो गया। अब जब भी वह चलता था तो जमीन पर पांव के दो की जगह चार निशान बनने शुरू हो गए, यानी भगवान उसके साथ हमेशा चलते थे। वह तो मारे खुशी के झूम उठा, उसकी चाल ही बदल गई। अब तो उसका विश्वास तृण हो गया कि भगवान 2400 घंटे उसके साथ हैं। उसे और क्या चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में शंका उत्पन्न होती थी कि कहीं भगवान उसका साथ ना छोड़ दें। सो इस बात को लेकर वह चौकन्ना भी पूरा रहता था। बीच बीच में वह जंगल में मिट्टी या कीचड़ में चलकर देख भी लिया करता था कि वाकई प्रभु उसके साथ अब भी है कि नहीं। और जैसे ही कदमों के चार निशान पाता तो वह न सिर्फ आश्वस्त हो जाता तथा उन्हें धन्यवाद बोलता था। वह आदमी न सिर्फ प्रभु का सच्चा भक्त मात्र था, बल्कि जीवन भी उसका भरपूर खुशहाल था। और सोने पे सुहागा यह है कि अब उसका और भगवान का 24 घंटों का साथ भी था। लेकिन कहते हैं ना कि समय की चाल सदैव एक सी नहीं रहती है। अचानक उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी तथा उसे बहुत नुकसान हुआ। परिवार तथा रिश्तेदारों ने उसका साथ छोड़ दिया। वह तो यहाँ तक सोचने लगा कि अब जीवन में रखा ही क्या है, क्यों ना बचा हुआ जीवन प्रभु भक्ति से ही गुजारा जाए। बस विचार करते ही वह सब छोड़कर सन्यास लेने जंगल की ओर चल पड़ा। अचानक उसकी निगाह अपने पांव के निशान पर पड़ी। पंजे के दो ही निशान थे। वह तो बुरी तरह चौंक गया और भगवान से बोला कि सुना था दुनिया तो मतलबी होती है, बुरा वक्त आने पर साथ छोड़ देती है, पर हे प्रभु तुम तो दुनिया वाले जैसे निकले, तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उसकी मात्र इतना बोलने पर ही भगवान प्रकट हो गए और बोले, अरे भोले, जब तेरा अच्छा समय चल रहा था तब मैं तेरे साथ चल रहा था, लेकिन जब तेरे पर विपत्ति आई तो मैंने तुझे अपने कंधे पर बिठा लिया और यह पैरों के निशान तेरे नहीं मेरे हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि मनुष्य के दुख का सच्चा साथी केवल भगवान ही है, जो हमारे विपदा के समय हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। यही जीवन का सत्य है। जब भी मनुष्य पर कोई भी बड़ा संकट आता है तब वह संकट सीधे मनुष्य की आत्मा थाम लेती है। वह जानती है कि मनुष्य का अहंकार वह सदमा झेल ही नहीं पाएगा। वह सदमा आपकी आत्मा यानी भगवान झेलते हैं। आज के लिए हम इस कहानी को यही विराम देते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भगवान आपकी हर मनोकामना को पूरा करे। ओम जय साई राम।